कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। कोरोना वैक्सीन कैंसिनो के एक क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे मरहले का आगाज हो चुका है। मोवन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NIH मेजर जनरल आमिर इकराम की कौम को मुबारकबाद। कहा तीसरे मरहले में 8 से 10 हजार अफराद पर वैक्सीन का ट्रायल होगा, जबकि ये वैक्सीन चीन में फौज और पुलिस के लिए मंजूर हो चुकी है। आज एक वैक्सीन का ट्रायल पाकिस्तान में शुरू हो रहा है और ये ऐसा ट्रायल है जो अपनी नौइयत का पहला ट्रायल है पाकिस्तान में इस तरह की वैक्सीन का। ये एक पब्लिक गुड का इनिशिएटिव है जिसमें सबको बेनिफिट होने का चांस है। कैनसिनो की ये जो वैक्सीन है ये बेसिकली रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पे है, जिसमें एक एडेनो वेक्टर होता है जिसको डेफिशिएंट किया जाता है, और ये जो वायरस वेक्टर है और ये सेल कल्चर लाइन ये कनाडा से प्रोक्योर की गई है। हमने कमोबेश 8 से 10 हज़ार कैंडिडेट्स करने हैं, वॉलंटियर्स, हर चीज़ का एक फॉर्मल सिस्टम है। हम उनको इंडक्ट करेंगे, वैक्सीन के बाद फॉलोअप होगा। ये फॉलोअप जो है ये हम 12 महीने तक करेंगे, लेकिन जो वैक्सीन के नतज हैं ये तकरीबन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4 से 6 के हफ्ते के दौरान हम 8 से 10 हज़ार कैंडिडेट्स को वैक्सीन लगा लेंगे। इसकी सिंगल डोज है और दूसरी डोज का रिकमेंड अभी नहीं किया गया, तो फेज 3 में हमें हद्दुल वसा फाइनली पता चलेगा कि इसकी फाइनल एफिकेसी, एंड जब ये प्रूव हो जाती है, इसके रिजल्ट एनालाइज हो जाते हैं अगले 4 से 5 माह के दौरान, तो फिर ये वैक्सीन मार्केट में आना शुरू हो जाएगी। और ये भी बताता चलूँ, ये इस वक्त वो वैक्सीन है जो चाइना में चाइनीज आर्मी को और पुलिस को ऑलरेडी अप्रूव हो गई है और उनको लग रही है, तो दैट मीन्स कि इसकी जो सेफ्टी है वो इंश्योर्ड है।